फ्रेंड्स देखिएगा, इसकी एक चम्मच ही बहुत है सफेद बालों को जड़ से काला करने के लिए। किस तरीके से वो मैं आपको बताऊंगी, पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखेगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आज हम एक ऐसी रेमेडी तैयार कर रहे हैं जिससे बाल आपके हमेशा के लिए काले होंगे। आप कुछ पाउडर्स इसके अंदर देख रहे होंगे और ये ही पाउडर्स जो है आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सफेद बालों को जड़ से काला कर देंगे। सबसे पहले मैं एक ऐसा इंग्रेडिएंट आपसे शेयर करने वाली हूँ जो बालों में रंग भी देगा और साथ ही बालों को काला करेगा। ये देखिएगा, वही इंग्रेडिएंट है जो आपके बालों को काला कर देगा और आपके बालों में बहुत अच्छा रंग देगा। जिनके भी बाल सफेद हैं और काले नहीं होते, इस इंग्रेडिएंट के इस्तेमाल से आपके बाल जो है नेचुरल तरीके से 100% काले होंगे। बहुत अच्छे से ये बालों को काला बनाता है। देखिएगा फ्रेंड्स, जो मैं फर्स्ट इंग्रेडिएंट सबसे पहले ले रही हूँ, टमाटो पाउडर। टमाटो पाउडर के फायदे तो आप लोगों को पता ही होगा कि स्किन में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। काफी लोगों को नहीं पता, हेयर में भी ये काम आता है, आपके बालों को काला, घना, मजबूत, लंबा बनाता है, डैंड्रफ की सारी समस्या को दूर करता है टमाटो पाउडर। देखिएगा मेरा हो गया है टमाटो पाउडर, तो आप इस तरीके से, अगर आपका इस तरीके से हो जाता है तो आप इतना ले लीजिए। इस तरीके से आपको ले लेना है 1 टेबल स्पून, ध्यान रखिएगा इतना आपको लेना है। अब देखिएगा, आप इस बॉक्स के अंदर इंग्रेडिएंट देख रहे होंगे, तो ये सारे इंग्रेडिएंट जो हैं, ये जो है हर्ब टॉनिक के ही इंग्रेडिएंट में यहाँ पे इस्तेमाल करने हो। देखिएगा ये भी जो टमाटर पाउडर है, ये भी हर्ब टॉनिक का ही है, और ये भी आपको जो दिखाई दे होंगे मैंने बॉक्स में कर ली, ये भी सब हर्ब टॉनिक के हैं। तो सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ, ये देखिएगा फ्रेंड, हिबिस्किस का पाउडर। दूसरा इंग्रेडिएंट जो मैं लेने वाली हूँ, ये वाला जो पाउडर आप देख रहे हैं, ये था हरड़ का पाउडर। ये देखिएगा फ्रेंड्स, आपको दिखा देती हूँ, ये है हरड़ का पाउडर। हरड़ जो है आपके बालों को काला करती है, नए बाल आपका उगाने का काम करती है, आपके बालों को काला, घना, मजबूत बनाती है। इस तरह की होती है हरड़। हरड़ पाउडर जो है बालों को काला करने का काम करता है। आप देखिएगा फ्रेंड्स, इसके पीछे भी मेंशन है सब कुछ, आप यहाँ से देख सकते हैं। तीसरा और लास्ट पाउडर देखिएगा फ्रेंड्स जो मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये है रोज पाउडर, रोज पील पाउडर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। रोज जो है हमारे बालों जो है अच्छा सॉफ्ट बनाने का काम करता है। ये देखिएगा, ये है रोज पेटल पाउडर, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिया है रोज पेटल पाउडर का। इस तरीके से आपको लेना है। अब थोड़ा सा इसमें आपको काला कत्था ऐड करना होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इतना सा मैंने यहाँ पे काला कत्था लिया है, इसमें मैंने काला कत्था डाला। और ये देखिएगा, ये है रतन, जो सिर्फ इतना सा टुकड़ा बहुत है, आपके बालों को काला, घना, मजबूत बनाएगा। ये काले कत्थे के साथ साथ आपको रतन जूत का इस तरीके से पाउडर, चाहे तो आप पिसवा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो है ये रंग देगा आपके बालों में। आप चाहें तो पिसवा भी डाल सकते हैं, आप चाहे चाय पत्ती के पानी से इसे मिक्स कर सकते हैं, चाहे आप जो है काले कत्थे का पानी भी बना सकते हैं। आयरन की कढ़ाई में काले कत्थे का पानी भी आप रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इस पैक को अच्छे से मिक्स कर देना है। ध्यान रखिएगा, आयरन की कढ़ाई में भी आप बना सकते हैं इसे। कम से कम अगर आयरन की कढ़ाई में बना रहे हैं तो 2 घंटा आप इसे भिगो दीजिए, बहुत अच्छे से ये वर्क करेगा। सारा इन्ग्रीडियंट जो है हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इसमें आप हिना भी डाल सकते हैं, इनको भी मिक्स कर सकते हैं। ये आपकी विश है कि आप इन दोनों में से एक चीज़ आप मिक्स करके भी इसे लगा सकते हैं। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, लम्ब्स नहीं होने चाहिए और 1 से 2 घंटे में ये बनकर रेडी हो जाएगा, क्योंकि जो जितने भी हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं वो आपके बालों में बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। देखिएगा कितना अच्छा इसका डार्क कलर आया है, अभी तो आपको इसे रेड और थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, अभी ये धीरे धीरे बिल्कुल ब्लैक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको डाल लेना है। और रतन जो है आंखों की रोशनी भी बढ़ाने का काम करता है, बालों को काला, घना, मजबूत बनाता है। जिन लोगों के बालों में रंग नहीं आता, इस पैक का एक बार इस्तेमाल जरूर से करें। सिर्फ 1 चम्मच ही बहुत है सफेद बालों को जड़ से काला करने के लिए। अपने वेट ड्राई बालों में इसे अप्लाई कर लेना है, उसके बाद में आपको जो है सूखने तक इसे बालों में रखना है और 2 बार वीक में जरूर से इसका इस्तेमाल करना है। आपके बाल इससे नेचुरल तरीके से काले, घने, मजबूत होंगे। चलेगा, एप्लीकेशन देख लेते हैं हमें किस तरीके से इसकी एप्लीकेशन बालों में करनी है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, साफ सुथरे बालों में आपको इसे अप्लाई करना है। ऑयलिंग आपके बालों में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको 2 घंटे तक तो पहले इसे रखना है, आयरन की कढ़ाई में डालना चाहे तो आयरन की कढ़ाई में, जिससे ये ब्लैक हो जाए। इस तरीके का ब्लैक हो जाएगा 2 घंटे के बाद में, क्योंकि हमने इसमें काला कत्था भी ऐड किया था और आयरन की कढ़ाई में तो बहुत अच्छा ये रंग देता है। और 2 घंटे तक आपको इसे बालों में इस तरीके से अप्लाई करके रखना है। उसके बाद जब ये वेट ड्राई हो जाता है तो आपको नॉर्मल वाटर से हेयर को वॉश करना है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा रिजल्ट आया है। काला कत्था एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो बालों में रंग देने का काम करता है। आपको जरूर से काले कत्थे का इस्तेमाल करना है और सूखने के बाद कुछ ऐसे बाल हो जाएंगे, वीक में 2 बार जरूर से अप्लाई कीजिएगा। वीडियो रेमेडी जानकारी अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।